अस्सलाम वालेकुम। आज हम गेहूं के आटे से बनाएंगे एकदम खस्ता लच्छे वाली मठरी, जिसे बरकीपुरी भी कहते हैं और खाजा भी बोलते हैं। लेकिन बनाने से पहले मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये कितनी खस्ता बनी है। देखा आपने कितनी क्रिस्पी बनी है ये। इसे आप एज अ टी टाइम स्नैक यूज़ करें, शाम की चाय के साथ खाएं, सुबह को नाश्ते में खाएं, बहुत मज़े की ये लगती है और इसे आप महीनों स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेंगे। मैंने 2 कप मेजर कर गेहूँ का आटा लिया है, जिसे मैंने पहले ही छान लिया था। तो छना हुआ आटा यूज़ करें। इसी के साथ टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल दें, मैंने 1 और आधा टीस्पून डाला है, और फिर इसमें अजवाइन शामिल कर दें। 1 टीस्पून अजवाइन को आपने इस तरीके से हाथ से क्रश कर लेना है। ये देखें, इस क्रश करने से इसका फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा अच्छे से आता है। ये देखें, अब इन सभी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है और फिर इसमें हमें घी शामिल करना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर घी की जगह ऑयल का यूज़ करते हैं, उससे मठरी बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेल पी लेती है। तो कोशिश करें कि आप घी का यूज़ करें। मैंने यहाँ 3 टेबलस्पून मेल्ट किया हुआ घी ऐड किया है। अब इन सभी चीज़ों को पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें कितने अच्छे से ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम पानी ऐड कर डो रेडी कर लेंगे। तो जो डो है वो हमें ना ज़्यादा सॉफ्ट रखना है और ना ज़्यादा हार्ड रखना है। जैसे हम आटा गूंथते हैं रोटी बनाते टाइम, उससे हमें थोड़ा सा टाइट रखना है। ये देखें, अगर आप परफेक्ट डो तैयार करेंगे तो मठरी भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, एकदम खस्ता बनेगी। मैंने यहाँ पर 1/2 कप से 2 टेबलस्पून एक्स्ट्रा पानी यूज़ किया है। अब इसे ढककर हम थोड़ी देर रेस्ट पर रख देंगे। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, हमें एक घी का पेस्ट रेडी कर लेना है। तो यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ घी का पैकेट लिया है और इसे मैंने टोटल 1 कप यूज़ किया है। मैंने इस तरीके से निकाल कर इसे टैप किया और टोटल 1 कप निकाल लिया है। तो ये देखें, अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे। अभी ये दानेदार है इसलिए हमें इसे पहले मेल्ट करना है। और अब हमें चाहिए होगा एक विस्क, और यहाँ पर मैंने कुछ आइस क्यूब्स लिए हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया है। अब मेल्ट करे हुए जो घी है उसको इसके ऊपर रख देंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे जब तक ये वापस से जम नहीं जाता। तो कुछ मिनट बाद आप देखेंगे ये वापस से जम गया है। अब नीचे का जो बोल है इसे हम हटा देंगे और चम्मच से सारे घी को हम निकाल लेंगे। और अब हम विस्क का यूज़ करेंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी इसे फेंट सकते हैं, लेकिन विस्क से ये जल्दी फिट जाता है। ये देखें, अब इसे हमें फेंटना है एक ही डायरेक्शन में, जब तक ये लाइट और फ्लफ़ी सा नहीं हो जाता। करीबन 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप देखेंगे कि लाइट और फ्लफ़ी सा हो जाएगा और इसका कलर भी वाइट हो जाएगा। ये देखें, अब ये बिल्कुल वाइट सा हो गया है, क्रीमी सा। अब इस वक्त हम इसमें चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने चावल का आटा डाला है। घर के चावलों को मैंने बारीक पीस लिया था और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो मठरी है वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगी, क्रिस्पी बनेंगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ये देखिए रेडी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे बिल्कुल वाइट बटर नहीं हो जाता, बिल्कुल सॉफ्ट वैसा हो गया ये। तो जो हमने घी का पेस्ट बनाया है उसे मैंने साइड रख दिया है, उसे फ्रिज में नहीं रखना है। यहाँ पर आटा भी सेट हो गया है, इसे मैंने हल्का से एक और बार गूंद लिया है। और इसके बाद इसे हम रोल कर इसे इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर देंगे। इसके सारे स्टेप्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम रोटी बनाते टाइम करते हैं। तो कोई भी ऐसी टफ चीज़ नहीं है, बहुत आसान है इसे बनाना। ये देखें, अब इसके बाद इसके हम पेड़े बना लेंगे। ये लीजिए, और यहाँ मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लिया है और अब हम रोटी बेल लेंगे। तो ये जो रोटियाँ हैं वो हमने बिल्कुल पतली बेलनी है, क्योंकि हम एक के ऊपर एक लेयर रखेंगे। तो आप कोशिश करें जितना पतला हो सके आप उसे बेलें। हम यहाँ मैदा का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर आप मैदा यूज़ कर रहे हैं तो उसकी और ज़्यादा पतली बनती हैं लेयर्स। ये देखें, अब मैंने इसे एक प्लेट में रख दिया, उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा रख दिया ताकि मैं दूसरी लेयर रखूँ तो वो इसके ऊपर चिपके नहीं। इसी तरीके से हम सारी रोटियां बेलकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारी रोटियां तैयार कर ली हैं। और यहाँ पर जो हमने घी का पेस्ट तैयार किया था उसे एक और बार हल्का सा चला लेंगे।
अब ये रेडी है और अब इसे हम अपनी रोटियों पे लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने एक रोटी रखनी है, इसके ऊपर आपने घी का पेस्ट लगाना है। अब जो ये पेस्ट है वो आपने ज़्यादा थिक नहीं लगाना, मतलब ऐसा लगाएं कि सारे पोर्शन पे अच्छे से लग जाए, बस ज़्यादा मोटी मोटी लेयर नहीं लगानी है। और ऐसे ही हम इसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और उसके ऊपर भी ऐसे ही लगाएंगे। तो मैंने टोटल यहाँ 5 लेयर्स इसकी लगाई है रोटी की, और जो लास्ट लेयर है उसके ऊपर भी हमें लगाना है। तो ये लास्ट लेयर भी रेडी है और अब इसे हम फोल्ड कर देंगे। देखिए इस तरीके से इसे एंड तक हम फोल्ड कर देंगे। और अब इसे हल्का सा अच्छे से दबा देंगे ताकि सारी लेयर्स आपस में अच्छे से चिपक जाएं और जो एंड पोर्शन है वो भी अच्छे से चिपक जाए और हमारी लेयर्स जो हैं वो खुले नहीं। तो ज़्यादा टाइट से आपने नहीं दबाना, बस इसे हल्का सा दबाकर आप रोल कर लें इस तरीके से ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से चिपक जाएं। अब ये रेडी है और अब इसे हम कट करेंगे। तो आप जब इसे कट करें तो इसे ज़्यादा प्रेस कर कट ना करें, बस हल्के हाथों से इसे कट करें, वरना सारी लेयर बिल्कुल ऐसे नीचे सी हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं करना है हमें, हल्के हाथों से देखिए इस तरीके से इसे कट कर लेना है। और इसकी सारी लेयर्स दिख रही हैं, बस अब इसी तरीके से हम सारे रेडी कर लेंगे। ये लीजिए, अब इसे हाथों से हम राउंड कर लेंगे। उसके बाद सूखे आटे में इसे हल्का सा लगा लेंगे और अब इसे हम बेल लेंगे। तो आपने इसे पतला ही बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं रखना, बस मैंने इसकी हल्की सी थिकनेस दी है इसकी, ये देखिए। इसी तरीके से हम सारी रेडी कर लेंगे और तेल भी हमारा गर्म हो गया है, अब इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करते टाइम जब आप इसे तेल में डालें तो इस तरीके से बबल्स बनने चाहिए, यानी तेल का टेम्परेचर बिल्कुल सही है। उसके बाद गैस को आप मीडियम कर दें और मीडियम गैस पर इसे फ्राई करें ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो, अंदर तक फ्राई हो। और जब आप देखें थोड़ी देर में जब नीचे की साइड में हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है तो उसके बाद इसे टर्न करें। और इसे हमें ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना है क्योंकि ये रखने के बाद इसका कलर थोड़ा और डार्क पड़ता है, तो बस हल्का ब्राउन कलर आए तो उसके बाद आप इसे निकाल लें। तो ये देखें इसमें हल्का सा लाइट ब्राउन कलर आ गया है और आप इसकी लेयर्स देखें कितनी अच्छी लग रही हैं, बहुत ही मज़े की बनती है ये। दिवाली आने वाली है तो आप दिवाली पर इसे बना सकते हैं। इसी तरीके से हम सारी मटरी फ्राई कर लेंगे और रेडी है हमारी लच्छे वाली मटरी। इसे आप घर पर ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।